Dear student, welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. Dear student, today we are going to discuss about a very interesting topic, that is factor. Dear student, I am writing down also in the writing board the definition of factor. Okay, your definition is the numbers that divided a given number exactly are called its factor. Dear student, आज हम जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आज हम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारा है फैक्टर, जिसे हम हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। आइए हम फैक्टर के बारे में डीपली स्टडी करते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने बोर्ड पर जो डिफिनीशन लिख रखा है, जिसे भी हमने आपको रीड करके बताया भी है, उसे हम अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि जब तक हम उसे समझेंगे नहीं तब तक उसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर नहीं कर सकते, और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को हम फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले एक बार फिर से इस डेफिनेशन को रीड करते हैं। द नंबर्स दैट डिवाइड ए गिवन नंबर एग्जैक्टली आर कॉल्ड इट्स फैक्टर। वे संख्याएं जो किसी दिए गए संख्या को पूरी एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, वो उस संख्या का क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, किसी संख्या को हम कैसे उसका फैक्टर बनाते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे 36, ये हमारा दिया हुआ है 36, और इस 36 का हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइए चलते हैं, 36 का हम फैक्टर जानने की कोशिश करते हैं, और कैसे हम 36 के अलावा किसी भी डिजिट का फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखते हैं। तो जैसा कि हमने भी बताया कि हम 36 नंबर को लेते हैं और इनके फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, 30 यानी 1 से लेके 30 के बीच में वो सभी नंबर जो 30 से डिवाइड होते हैं, जो 30 को डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा सभी क्या होगा? फैक्टर होगा। आई एम रिपीट वंस अगेन, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, वे नंबर जो 1 से लेके 36 के बीच में है और जो 36 को डिवाइड कर देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। जैसे देखिए, 1 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 36, 1 का मल्टीप्लाई 36 के से करेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा, बिकॉज 36 होता है 36। सेकंड हम देते हैं क्या है? 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, 2 1 2 एंड 2 8 16 मींस 2 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 36। क्लियर है, बड़े आसानी से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नंबर लेंगे, वो नंबर हमें लेना है जो 1 से लेके 1 to 36 के बीच में आते हैं, माइनस 1 to 36 के बीच में आते हैं, और वो सभी नंबर उनको डिविजिबल करते हैं, हमें उन्हीं नंबरों को लेना है। नेक्स्ट नंबर पहला में दिया 1 मल्टीप्लाई 36, सेकंड मल्टीप्लाई 18, नेक्स्ट होगा 30 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 36 एंड द नेक्स्ट इज, हमें उसी नंबर को लेना है जो इन दोनों के बीच में हो। मैं बार बार यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, वही नंबर होंगे 36 के फैक्टर जो 1 से लेके 36 के बीच में आते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 1 2 3 एंड 4, 4 मल्टीप्लाई 4 9 36। ओके, अभी हम देखेंगे ये हमारा नंबर कंप्लीट हो चुका है, मींस यहां से फैक्टर के जो नंबर देखेंगे, जो एक चीज याद रखना है कि फैक्टर में कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है, 36 के फैक्टर को फाइंड आउट करने में किसी भी नंबर को हम रिपीट करने का प्रयास नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 1 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 36, 2 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 36, बिकॉज 18 2 36 आर 2 18 36 ऑल्सो। द नेक्स्ट इज 3 मल्टीप्लाई 12, 3 12 36 एंड 12 3 36 ऑल्सो।
The next factor is 4 multiply 9. 4 9 are 36. And last number is 6 multiply 6 is equal to 36 also. So dear student, the factor of 36 is equal to 1, 2, 3, 4, 6 and 9, 12, 18 and 36. No any number, repeat once more chance. Is that clear? कोई भी नंबर एक से ज्यादा बार नहीं रिपीट करना है. द फैक्टर ऑफ हम लिखेंगे यहां पे द फैक्टर ऑफ 36 आर कितने नंबर है 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 9, 12, 18 एंड 36. Is it clear to everyone? I will repeat once again. Everybody, mind this and look at the writing board once again. Your questions given here 46. First of all, I repeat once again the definition of factor. The numbers that divide a given number exactly are called its factor. किसी भी नंबर को हम रिपीट नहीं करेंगे और वो नंबर वे संख्या जो किसी दिए गए संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करती है पूरा पूरा उसका फैक्टर बनती है उसे उसी के क्या कहते हैं फैक्टर कहते हैं. क्लियर है सभी को? तो हमने यहां पे फैक्टर निकाला है लेकिन फैक्टर करने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि जिस डिजिट का हम फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं वो डिजिट के नंबर जो होंगे जो फैक्टर होंगे वो 1 to 36 के बीच के होंगे उनसे इतना ही उनसे ज्यादा नंबर के नहीं हो सकते. 36 का फैक्टर 36 से ज्यादा 37 38 39 40 नहीं हो सकते. 1 to 36 1 से लेके 36 के बीच के ही नंबर होंगे और वो नंबर क्या है 1 multiply 36 इज इक्वल टू 36 2 multiply 18 इज इक्वल टू आल्सो 36 3 multiply 12 is equal to 36, 4 multiply 9 is equal to 36, and 6 multiply 6 is equal to 36 also. The factor of 36 is equal to 1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, and 36. Is that clear to everyone? इस तरीके से हम बड़े आसानी से the factor of the 36 are बड़े आसानी से हम फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट कर पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. डियर स्टूडेंट वंस मोर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और उसे देखते हैं हम कैसे उसका फैक्टर निकालते हैं. सपोज दैट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 60 हम सेकंड क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं जो है 60 को भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने बताया कि 36 का जो हमने फैक्टर किया है तो 1 से लेके 36 के बीच के नंबर को ही हम उसका फैक्टर बनाएंगे. उसी तरीके से 60 का भी हम लेंगे तो 60 जो होगा 1 टू 60 के बीच में भी उसका फैक्टर होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 multiply 60 इज इक्वल टू 60. इज इट क्लियर? एंड 2 multiply 30 इज इक्वल टू 60 बिकॉज 2 30 are 60 and 32 are also 60. Okay. The next is 3 multiply 20 is equal to 60. 3 का multiply हम 20 में करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा. अब अगला क्या है 4. 4 multiply 15 is equal to 60. 4 multiply 15 is equal to 60. 5 multiply 12 is equal to 60. एंड इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर आया है अगर आपने नोट कर लिया होगा तो हम इसे इरेज करना चाहेंगे क्योंकि बोर्ड पे जगह की कुछ कमी पड़ रही है इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं. आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं तो हमने इसको इरेज कर दिया है ताकि जो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर हो उसको कंप्लीट राइट कर सके ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए. तो यहाँ पर हमने क्या किया 5 multiply 12 अब जो है हम वो नंबर लिखेंगे जो पूरा पूरा 60 जिसका टेबल 60 को पूरा करता है जैसे हमारा 5 हो गया अब 6 देखेंगे 6 10 60. अब इसके बाद का जो नंबर हम लिखेंगे वो रिपीट होगा जैसे नेक्स्ट आएगा 10 multiply 60 तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे 10 दिया हुआ है मींस
हम इधर तो आएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और जब हम इधर का लिखेंगे तो ये हम इधर आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। मींस हम देखेंगे हमारा वन भी हमारा 60 का फैक्टर है, 60 भी हमारा 60 का फैक्टर है, 2 भी हमारा 60 का फैक्टर है, 30 भी हमारा 60 का फैक्टर है, 3 भी हमारा 60 का फैक्टर है, और क्या है 20 भी हमारा 60 का फैक्टर है, 4 भी हमारा 60 का फैक्टर है, 15 भी हमारा 60 का फैक्टर है, 5 भी हमारा 60 का फैक्टर है, और 12 भी हमारा 60 का फैक्टर है। ऐसे ही 6 और 10 भी हमारा 60 का फैक्टर है। डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हम कोई भी फैक्टर किसी भी डिजिट का करेंगे तो ये ध्यान देना है इससे ज्यादा हम 60 का फैक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके आगे हम करेंगे तो नंबर रिपीट होगा, और इसमें किसी भी नंबर को रिपीट करके नहीं लिखना है। नंबर जो लिखना है वो 1 से लेकर 60 के बीच में ही होगा, जो 60 का फैक्टर होगा वो 1 टू 60 के बिटवीन में होगा। माइंड दिस वंस अगेन एंड लुक एट द राइटिंग बोर्ड क्लियर। 1 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 60, 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू आल्सो 60, 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60, 4 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 60, 5 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 60, एंड 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60। देयरफॉर डियर स्टूडेंट, The factor of 60 is are the factor of 60 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, and 60. The factor of 60 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, and 60. Okay? Dear student, question number second, I am repeat once again. Everybody listen carefully and look at the writing board once again. Dear student, second question given here, the number is 60. हम 60 का फैक्टर कर रहे हैं। Dear student, हमने आपको बार बार बताने की कोशिश किया है कि 60 के जो फैक्टर होंगे वो 1 से लेकर 60 के बीच में ही होंगे, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। 60 का फैक्टर अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा 60 का फैक्टर 1 से लेकर 60 के बिटवीन में ही होंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम फैक्टर निकालने के लिए कि सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 1 जो जो मल्टीप्लाई डिजिट होते जाएंगे वो हमारे फैक्टर को रिप्रेजेंट करते जाएंगे। ओके, 1 हमने बताया है वे संख्याएं जो किसी दिए गए संख्या को पूरा पूरा एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, वही उससे उस संख्या का क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। और हमें फैक्टर ही जानना है आज की वीडियो में। आज का टॉपिक भी हमारा क्या है, फैक्टर है। हम कैसे किसी डिजिट का फैक्टर निकालेंगे और उसका फैक्टर कितने होंगे, कैसे होंगे, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 60, तो हमने 60 का फैक्टर किया 1 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई 30, 3 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 15, एंड 5 मल्टीप्लाई 12, 6 मल्टीप्लाई 10। ये हमारे सभी क्या है, ये फैक्टर है किसके, 60 के। अब हम सारे नंबर को लिखेंगे। अगर हम इधर से लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे तो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में घट रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 and 60. अगर जब ये ऊपर से देखें तो 60, 30, 20, 15, 12 and 10. ये सभी तो क्या है, वो 60 के फैक्टर है। तो द फैक्टर ऑफ द 60 आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 and 60. I hope is that clear to everyone? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा आज के वीडियो में हमने आपको फैक्टर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये हमने आपको बताया है। आपके टेक्स्ट बुक में, आपके एक्सरसाइज में फैक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे आप फाइंड आउट करेंगे। कुछ को डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे या इजी क्वेश्चन होंगे, उनको आप लेंगे और उसे खुद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को बहुत ईजी है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में, जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा है, कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उस दिक्कत को, उस डाउट को जरूर राइट करें। हम वहाँ अपने डाउट को हमेशा की तरह दूर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ईजी है, सॉल्व करिए, बहुत आसान है। आई होप जहाँ तक हम जानते हैं कि दिक्कत होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो
तुरंत वीडियो जैसे समाप्त होता है आप टेक्स्टबुक उठाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत बताएं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।